सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ई पाठशाला 4.0 जो कि 1 जून से लागू होने वाला है, उसमें शिक्षकों के क्या क्या दायित्व बढ़ गए हैं और गांव का एक व्यक्ति हमें प्रेरणा साथी के रूप में नियुक्त करना है, उसका रजिस्ट्रेशन हमको पोर्टल पर करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है और किस व्यक्ति को हम प्रेरणा साथी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ई पाठशाला 4.0 के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए सामग्री, विषयवार अभ्यास, ऑनलाइन क्विज। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन क्विज भी होगा, हर शनिवार को व्हाट्सएप पर क्विज भेजा जाएगा, उस क्विज का आपको मूल्यांकन भी करना है, वो देखेंगे हम। वो मूल्यांकन हमें कैसे करना है, वो मूल्यांकन आपको ऑनलाइन ही करना है। इसमें आगे है शिक्षक एवं अभिभावक को जोड़ना, समुदाय को जोड़ना एवं सहयोग लेना। अब ये देखिए, एक शिक्षक के दायित्व क्या क्या रहेंगे। सभी अभिभावकों को अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। तो यहाँ आपको अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। हर 2 सप्ताह में कक्षा के सभी अभिभावकों से इन बिंदुओं पर चर्चा करें। वो बिंदु कौन कौन से हैं, व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री बच्चों को दिखाना, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप पर रोज 20 मिनट अभ्यास करवाना। तो आपको इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन पर जो सामग्री प्रेषित की जा रही है, अभिभावक उस सामग्री को बच्चों को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। उसके बाद प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप पर रोज 20 मिनट का अभ्यास करवाना है। तो इस विषय पर आपको बात करनी है। आगे देखते हैं और क्या क्या दायित्व हैं। हर शनिवार व्हाट्सएप पर भेजे गए क्विज में प्रतिभाग कराना, यानी कि हर शनिवार को व्हाट्सएप पर एक क्विज भेजा जाएगा, वो अभिभावकों को प्रतिभाग कराना है अपने बच्चों को। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य का अवलोकन करें। उसके बाद प्रेरणा साथी को दिए गए लिंक पर रजिस्टर करें। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आगे मैं बताऊंगा कि हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखिए, प्रेरणा साथी के क्या दायित्व हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपना पंजीकरण कराएं, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रधानाध्यापक द्वारा जुड़ें, ई पाठशाला सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर बच्चों को करीब 20 से 30 मिनट अभ्यास कराएं, हर शनिवार व्हाट्सएप पर क्विज में बच्चों से प्रतिभाग कराएं। तो जो एक शिक्षक के दायित्व हैं, वही दायित्व प्रेरणा साथी के रहेंगे। बस प्रेरणा साथी को अभ्यास कार्य का अवलोकन नहीं करना है, अभ्यास कार्य का अवलोकन शिक्षकों को करना है। अब यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करें। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको गांव के एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है, उसको प्रेरणा साथी के रूप में नियुक्त करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एक मैसेज है, यहाँ पर है, इस श्रृंखला में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अपने घरों से हर सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई ई पाठशाला सामग्री को साझा करेंगे। इसके साथ वे अपनी कक्षा के सभी अभिभावकों के साथ हर सप्ताह संपर्क करेंगे एवं प्रेरणा साथी की पहचान कर उन्हें दिए गए लिंक पर रजिस्टर करेंगे। लिंक पर क्लिक कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको प्रेरणा साथी का नाम भरना है। यहाँ पर देखिए, ये वे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है एवं जो अपने आसपास के बच्चों की ई पाठशाला में मदद कर सकते हैं। इस फॉर्म पर प्रेरणा साथी को रजिस्टर करें। तो आपको प्रेरणा साथी का नाम टाइप कर देना है, प्रेरणा साथी का लिंग टाइप कर देना है, महिला या पुरुष। उसके बाद आपको प्रेरणा साथी की उम्र, प्रेरणा साथी का व्हाट्सएप नंबर, विद्यालय का यूडाइस कोड, क्या प्रेरणा साथी ने मदद करने के लिए विद्यार्थी चुने हुए हैं। अगर विद्यार्थियों को चुन रखा है तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे और आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्म का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पर आपको बच्चों की जानकारी भरनी है, प्रेरणा साथी ने मदद के लिए कितने विद्यार्थी चुने हैं। यहाँ पर आप विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, विद्यार्थी 1 का नाम आप नाम लिख देंगे और उसकी कक्षा का
सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी दो का नाम और उसकी कक्षा। तो इस तरीके से आपको प्रेरणा साथी का पूरी तरह से फॉर्म भर देना कि हमें बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन कैसे करना है, किस तरीके से हमें एप्लीकेशन का यूज करना है, जिस एप्लीकेशन से हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें।